महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल पद पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिन पर विराम लगाते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने मीडिया कर्मियों के सामने खुलकर अपनी बात रखी। राज्यपाल पद के इस्तीफे के बाद से भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड आए हैं, तभी से भगत सिंह कोश्यारी को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन अब पूर्व राज्यपाल ने सभी संभावनाओं को दरकिनार कर लिया है। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह सक्रिय राजनीति से 2 महीने पहले ही बहुत दूर हो चुके हैं और उन्हें किसी भी तरह की पद की लालसा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें बहुत सम्मान दिया है। देखिए, मैं अब ये जो सक्रिय राजनीति है उससे दूर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतने अवसर दिए हैं, तो दूसरे की बात तो सपने में कोई नहीं सोच सकता है। वहीं राज्यपाल रहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में आए संकट पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सनातनी स्वभाव और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके इसी स्वभाव के कारण उनकी पार्टी टूटी है। तो बीजेपी कोस रही है तो बीजेपी से पूछो ना, उससे क्यों पूछ सकते हो? मैं तो उसको सरल संति मानता हूँ। इतनी गलती करके बैठा, अपने पॉलिटिकल एक प्रकार से इतना नुकसान करा बैठा, मगर इतना सीधा सज्जन नहीं होता तो क्या सरकार बननी थी, टूट जाती है। क्यों? आप कभी कभी संत का लोग उल्टा भी लेते हैं, आप जैसे भी लें। पहली बात यह है कि हमेशा आदमी को सीधे रास्ते से चलने का अभ्यास छोड़ के जो टेढ़े मेढ़े रास्ते मिलते हैं उनसे भी चलने का अभ्यास होना चाहिए। और मैं हर रास्ते से चलने का व्यस्त हूँ, केवल दुराचार व्यभिचार भ्रष्टाचार के रास्ते पर नहीं चलता हूँ। तो इसलिए मुझे इसमें कोई परेशानी होने का सवाल ही नहीं है। आनंद आया महाराष्ट्र के लोग, आपको ये बता दूँ आप सबको, मैं महाराष्ट्र के जो लोग हैं, महाराष्ट्र की जो जनता है, आप अगर वहाँ जाएंगे थोड़ा सा शहर के हट के बाहर जाएंगे, आपको लगेगा कि उत्तराखंड में आ गए। ऐसा लगता ही नहीं महाराष्ट्र में कि उत्तराखंड से भिन्न है। और बहुत से शब्द भी मिलते, सैकड़ों शब्द मिलते हैं यहाँ के गढ़वाली कुमाऊनियों। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद उनको लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लग गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।